हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तीनों शिफ्ट के मैं कंबाइन करके इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बहुत ही कम क्वेश्चन मिले थे। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं मतलब आपको फेक क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो लेके आऊँगा। अब आपका थर्ड शिफ्ट का अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का अपलोड कर दिया करूँगा, अदरवाइज एक ही वीडियो लेके आऊँगा। बट जितने भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा रियल लेके आऊँगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें रियल क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको बताइए, ठीक है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन था आपका, पंजाब के सीएम कौन है? तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वाई आई एम हिंदू बुक किसने लिखी है? शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो अमरावती राइट आंसर हो जाएगा, और पहले कौन सी थी? हैदराबाद, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, 64th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर के लिए किसको मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड? ये अक्षय कुमार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने पानीपत के युद्ध में किसको हराया था? तो बाबर राइट आंसर हो जाएगा। रामेश्वर में एपीजे अब्दुल कलाम जी के याद में इनोग्रेशन किसने किया है? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, तो पीएम नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर था, ठीक है। पेरू में भारत के राजदूत कौन है? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय एनिमल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक बग, ठीक है। जो सलमान खान ने जो मतलब केस चल रहा था वो ब्लैक बग वाला चल रहा था ना, तो वही है यहाँ का आपका आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की तरफ से ओलंपिक में जिमनास्ट में मेडल जीतने वाली कौन है? तो दीपा कर्मकार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा हो जाएगा? विनस राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन फिल्म में अभिनेता जो मेन लीड रोल किसने किया था, किस अभिनेता ने किया था? तो राजकुमार यादव राइट आंसर हो जाएगा। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर किसके हैं? देखिए, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा नरेंद्र मोदी या फिर मिलेगा आपको अमिताभ बच्चन, तो इनमें से जो भी होगा राइट आंसर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा महाजन, आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। 2017 राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले 8000 रन किसने बनाए? तो आई थिंक इसका राइट आंसर विराट कोहली है, अगर कोई और है इंडिया में तो मुझे बताएगा, विराट कोहली आई थिंक इसका राइट आंसर, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो सरदार सिंह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हॉकी के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, इसरो 2019 में कौन सा उपग्रह स्थापित करेगा? तो आदित्य L1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलीट है एक, राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त समूह में से संबंधित आपका कोई पर्सन था? एग्जैक्ट नहीं पता, पीरियोडिक टेबल से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि मुगल वंश में किस राजा को सभी धर्मों का प्रिय माना जाता था? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी को मजबूत करने के लिए इनमें से कौन सी चीज उपयोगी है? तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? तो आपका टंडन राइट आंसर हो जाएगा, हड्डी को मसल से, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कि कितने पीएच पर दांत गिरने लगते हैं? तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की भी कैपिटल पूछी गई थी शायद किसी शिफ्ट में, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद ट्रांसफर की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे ने भेजा कि साउंड की स्पीड, मतलब क्वेश्चन था कि साउंड की स्पीड एयर में 314 मीटर पर सेकंड और वाटर में 1495 मीटर पर सेकंड, पूछा था कि इनमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड होती है एयर में, तो ये तो इससे कम है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे स्पीड जो साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो ये 1450 से लेके 1498 के बीच में होती है, तो ये इसके बीच में, तो इसका मतलब आपका वाटर वाला राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखा होगा।
एक आपका यूनिट निकालने से संबंधित कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है तो ये नहीं पता चला है, ठीक है। ऑक्सेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो प्लांट फूड होते हैं जो, ठीक है, उनमें पाया जाता है। 32वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती, तो ये आई थिंक आपका वेस्ट बंगाल ने जीती है, तो एक बार देख लीजिएगा कंफर्म करके, ये वेस्ट बंगाल है या फिर कोई और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका लाइट ईयर यूनिट होती है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। पारे का एटॉमिक नंबर पूछा गया था, तो ये आपका हो जाएगा 80। हाउ मेनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये आपके 4 होते हैं, राइट आंसर 4 हो जाएगा। कबड्डी में 2017 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया, तो हीरानंद राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो उदित नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका कि आवर्त सारणी में सल्फर का स्थान तो दाईं ओर होता है, ये आपको ऑप्शन में दे रखा था दाईं ओर, ठीक है। आरबीसी की लाइफ पूछी गई थी तो कितनी होती है, 120 दिन। H2O का द्रव्यमान पूछा गया था तो 18 होता है, ठीक है भाई। आवर्त सारणी के बाएं तरफ अधातु कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्त सारणी के बाएं तरफ अधातु कौन सी होती है, तो आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे SI यूनिट ऑफ जी पूछी गई थी, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और देखिए अभी मैं मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद रीजनिंग के, और फिर उसके बाद टॉपिक भी डिस्कस करेंगे पूरे दिन के। तो अभी देखते रहिएगा इस वीडियो को पूरा एंड तक, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी और शेयर भी करेंगे। और PDF भी लेने के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे भी मिल जाएगा, या फिर आप पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, बाद में डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि ए और बी किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बोला गया ए बी से 5 गुना वर्क करता है, 5 गुना ज़्यादा वर्क करता है, और बी कुल कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो आप मुझे बताइए कि ए बी से 5 गुना ज़्यादा वर्क करता है, यानी कि बी अगर 1 करता होगा तो ए कितना करता होगा, 5 करता होगा, यानी इसका 5 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए और बी 6 घंटे में वर्क को पूरा कर लेते हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका टोटल यूनिट वर्क कितना करते हैं ये, और जितने घंटे में एक वर्क को कंप्लीट कर देते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये एक दिन में दोनों मिला के कितना वर्क करेंगे, 6 यूनिट मान लीजिए, क्योंकि रेशो दे रखा है इनका 1 और 5, तो 6 यूनिट वर्क करेंगे, और ये 6 घंटे में इस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, तो वो टोटल वर्क आपका 36 यूनिट हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि बी अगर इसे अकेला करें तो कितने दिन में करेगा, तो 36 को 1 से भाग कर देंगे, तो 36 आवर्स, यानी कि 36 घंटे में कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल यही था, शायद यहाँ पे 8 की जगह 10 था, तो जो भी होगा आप उसको कर सकते हैं, 10 रख के भी कर सकते हैं, 6 रख के कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिजिट नहीं मिल पाती है, एक बच्चे ने फिर बाद में सेंड की थी, तो ये क्वेश्चन तब तक मैंने कर दिया था, तो यहाँ पे 10 था, आप देख लीजिएगा इसको दोबारा से करके। तो यहाँ पे मान लीजिए 8, 6 था, तो इनका एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, तो सीधा सीधा 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में ए 3 यूनिट वर्क करता है, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 यूनिट। तो दोनों से वर्क कराना था कि दोनों वर्क कितनी देर में कंप्लीट कर देंगे, तो 24 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 कंप्लीट 3/7 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि शाम की आयु मीना की आयु से 25% ज़्यादा है, तो मीना की आयु शाम की आयु से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखिए, शाम की आयु अगर मीना की आयु से 25% ज़्यादा है, तो मीना की आयु हमने माना 100% होगी, तो शाम की आयु कितनी हो जाएगी, 125%। इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि शाम की जो आयु है मीना की आयु से 25% ज़्यादा है। बट यहाँ पे बहुत से बच्चे ये 25% भी लगा सकते हैं, बट दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को, तो मीना की आयु शाम की आयु से कितनी परसेंट कम है। तो मीना की आयु पूछिए, शाम की आयु से कितने परसेंट कम है। तो आप सोचोगे कि यार ये जब ये 25% ज़्यादा है तो ये इससे 25% कम होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये इससे कुछ ना कुछ और कम, मतलब कम होगी। तो यहाँ पे देखिए, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे और कंपेरिजन जिससे किया जाता है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो मीना की आयु शाम की आयु से कंपेयर की जा रही है कि इससे कितनी कम है, तो कम इससे की जा रही है कंपेयर, तो इसे नीचे रख लेंगे। तो 25/125 और परसेंटेज हमें निकालनी है, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा आपका 25 से कम 25 और 25 पंजे आपका 125, और 25 से इसको कट करेंगे 20, तो 20% कम है, यानी कि मीना की आयु शाम की आयु से कितने परसेंट है, 20% कम है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका ये कि माता प्लस पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है, यानी कि उनकी जो आयु का सम है वो 50 वर्ष है,
पांच साल बाद माता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से चार गुना हो जाती है। इस तरीके ये लैंग्वेज क्वेश्चन की थी। तो माता की आयु अगर पुत्र की आयु से चार गुना हो जाएगी तो पुत्र की आयु मान लीजिए 1 होगी तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछा गया था। तो अब मुझे ये बताइए भाई, माता और पुत्र की आयु 50 है, ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो रखा था, इसको दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माता और पुत्र की आयु दे रखी है आपको कुल 50 ईयर है आज वर्तमान में, 5 साल बाद का रेशियो दे रखा है 4:1 का। तो आप क्या करेंगे, इस एज को भी 5 साल बाद की बना लेंगे। तो अगर मैं इसे 5 साल बाद का बनाऊंगा तो दोनों की एज मुझे 5-5 ईयर से बढ़ानी पड़ेगी, तो 50 में मुझे 10 प्लस करना पड़ेगा, समझ गए, क्यों, क्योंकि 5 ईयर से ही माता की एज बढ़ेगी और 5 से ही बढ़ेगी पुत्र की एज, बढ़ानी पड़ेगी ना हमें भाई, 5 साल बाद का रेशो दे रखा है, क्योंकि इस रेशो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो हमें एज भी उसी रेशो के इक्वल बनानी पड़ेगी। तो ये 5 साल बाद का रेशो दे रखा है तो 5 साल बाद की ही आपको एज का सम बनाना पड़ेगा। तो एज का सम कितना हो गया 60। तो 60 को आप किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक है, तो 5 एकम 5 और यहाँ बचा 1, तो 5 दूनी 10 यानी कि कितना आ गया 12। पूछा किसकी एज है, आपकी पूछ गए पुत्र की एज, पुत्र की वर्तमान एज कितनी होगी, तो यहाँ पे 12 है तो इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पुत्र की एज 12 आ गई। बट ये 12 अभी वर्तमान की नहीं आई है, 5 साल बाद की आई है, तो इसमें से 5 माइनस भी करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, तो पुत्र की वर्तमान आयु 7 साल हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा, और जो ये आपका PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसको करेक्ट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट था आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब एक बच्चे ने फिगर बनवा दी थी ये, और क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज थी, बट यहाँ पे दे रखा था आपको परपेंडिकुलर दे रखा था, बेस दे रखा था, और थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो आप सीधा सीधा, मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब लैंग्वेज को पढ़ने के बाद तो इस ये थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि वहाँ से निकालना पड़ता डाटा, बट अभी तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको टेन थीटा पता है आपको क्या होता है, पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी पता है आपको, बेस भी पता है, तो यहाँ पे रखिए √3/1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, तो √3 किसके, टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, √3 होगी। तो √3 देखिए कितने उसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री की, तो ये 60 डिग्री की होती है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ जाएगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका, 600 रुपये का 25% का 5% का मान क्या होगा, यानी कि पहले 600 का आपको 25% निकालना है, फिर जो भी आएगा उसका 5% निकालना है, फिर वो बताने कि वो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 600 का अगर आप 25% निकालते हैं, ठीक है, तो ये आप क्या लिखेंगे 25/100, और फिर उसका 5% निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 25/100। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो क्या करेंगे, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, ठीक है, और ये आपका कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 100 20 बार, ठीक है, 20 से 600 कट जाएगा 30 बार, तो बचा कितना 30 और नीचे बच गया 4, तो 30/4 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 complete 2/4 आ जाएगा, ये आपका 2 से 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 7 complete 1/2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था। एक था आपका, एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए 2,850 की चीज़ को जब वो बेचता है तो उस पर उसको 14% का लाभ होता है। अब मुझे बताइए, जब लाभ होता है तो 100% से बढ़ के वैल्यू जितना भी लाभ होगा उतने बढ़ जाएगी, तो 14% यानी कि जो 2,850 रुपये बेच रहा है ना वो चीज़ को, उसमें 14% का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो आपका 114% की है, ठीक है। तो 2,850 को 114 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी इससे, ये आप जितना आप प्रॉफिट कमाना है, तो हमें तो 8% कमाना है, तो 100+8 करेंगे तो आपका 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 25 बार, ठीक है, 2,850 जो है 114 से जाएगा 25 बार, 25 की 108 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,700 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम इस वस्तु को जो 2,850 में बेचते हैं, अगर मैं इसको 2,700 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दूँ तो हम जो प्रॉफिट है वो 14 से घट के 8% होना लगेगा। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था आपका,
रीजनिंग का कुछ इस तरीके का। अब देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शायद कोई कलर इसमें डिस्टर्ब हो गया हो या फिर जैसे भी, बट क्वेश्चन जो भी बोला गया था बच्चे ने, मैंने लिखा और वो आपके सामने है। यहाँ पे बोला गया था कि अगर लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए और नीले को ब्राउन कहा जाए तो चमेली का रंग क्या होगा। तो आप सभी को पता है चमेली का रंग व्हाइट होता है, ठीक है, बट उसमें बीच का जो पोर्शन होता है वो येल्लो होता है, ठीक है, जो चमेली का फूल होता है। सॉरी भाई, देखिए थोड़ी सी तबीयत भी मेरी जो चल रही है ना वो ख़राब चल रही है, तो इसलिए मैं आपको वीडियोस इसलिए भी थोड़ी कंटिन्यूटी के साथ मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बाकी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, लाइव क्लासेस के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बिजी भी हूँ, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करके चल रहा हूँ एक साथ में, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, वीडियोज़ देखते रहिए साथ साथ में, और जिनका एग्ज़ाम आ रहा है री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का, वो भी प्रिपरेशन में लगे रहें, ठीक है। आपको जल्दी लाइव क्लासेस का पूरा मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो बोला गया था कि अगर लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए और नीले को ब्राउन कहा जाए, तो मैंने आपको बताया व्हाइट होता है, व्हाइट के मतलब बीच वाला पोर्शन थोड़ा पीला कलर का होता है, तो यहाँ पे ये समझ के चलेंगे क्योंकि व्हाइट तो बोला ही नहीं गया है तो पीला मान के चलेंगे। पीले को यहाँ पे बोला गया नीला, बोला गया ना पीले को कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, सॉरी पीले को नीला, तो नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया था कि चमेली का रंग क्या होगा, तो चमेली का रंग नीला होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका कि सभी बसें कार हैं, सभी जलयान कारें हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी बसें, आपने एक बसें बनाई और फिर वो सभी के सभी बसें आपने कार बना दी, और यहाँ पे फिर दोबारा लाइन में भी यही बोला है कि सभी जलयान जो है वो भी कारें हैं, तो यहाँ पे जलयान भी आप यही करेंगे, जलयान और ये भी कारें, यानी कि बसें और जलयान दोनों के दोनों कवर हो जाएंगे कार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, पहला निष्कर्ष, कुछ जलयान बसें नहीं हैं। तो देखिए जब किसी के बीच में रिलेशन नहीं बताया जाता है तो हम उसको कभी भी नहीं बताते, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं अगर जो आपकी जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कथन होता है, अगर उसमें कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो आप निगेटिव को तो देखते ही काट दीजिए, ठीक है। अब ऊपर हमें कहीं पे भी नहीं देखने को नहीं मिला ना, तो आपको क्या करना है, अगर नीचे आपको कंक्लूजन में नहीं मिल रहा है कहीं भी देखने को तो उसको कट कर दीजिए, तो इसको तो हमने कट कर दिया। फिर यहाँ पे बोला कुछ बसें कारें हैं, तो बसें और कारें कार का रिलेशन है, और वो भी बोला गया कुछ का, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ये था कि सभी बैंक कॉलेज है, ठीक है, टेलीग्राम पे भेजा था एक दोस्त ने बिल्कुल ऐसे लिख करके एक पेपर पे, तो बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं जैसे उसने भेजा था। सभी बैंक कॉलेज हैं और कुछ कॉलेज स्कूल हैं, तो कोई यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या थे, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। तो सभी बैंक कॉलेज है, तो बैंक आपने बनाया, सभी के सभी बैंक कॉलेज हो गए। फिर यहाँ पे बोला गया दूसरे में कि कुछ कॉलेज स्कूल हैं, तो कुछ कॉलेज आपके स्कूल इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोले जा रहे, कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो आपका जो बैंक वाला ये है और यहाँ पे स्कूल वाला ये है, इनके बीच में क्या बोला गया है, कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही हमारी निगेटिव स्टेटमेंट है ऊपर, तो इसको तो हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे बोला गया कुछ बैंक स्कूल है, तो कुछ बैंक स्कूल है तो यहाँ पे भी इसके बारे में भी नहीं बोला गया, तो इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे बोला गया कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, तो ऊपर निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। यानी कि हमारे तीनों ही स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ मोटी मोटी सी ये समझा दी है कि अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव नहीं दिखा रहा है तो आपका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो भी आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो भी निगेटिव होगा उसको तो आप कट कर ही देंगे। एक था आपका, देखिए सीरीज का ये कई बार आ चुका है पहले भी, कि 1A 2764 बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि दो बच्चों ने भेजा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या था, देखिए 1 का अगर क्यूब किया जाए तो 1 रहेगा, 2 का क्यूब किया जाए तो 3 का रहेगा, 3 का क्यूब किया जाए तो 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब किया जाए तो 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब किया जाएगा नेक्स्ट का, यानी कि वो तो 125 आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, जंगल पेड़ फल का वेन डायग्राम बनाना था। तो देखिए हम ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाएंगे कि सभी पेड़ तो फल नहीं देते, तो कुछ पेड़ फल देते होंगे, ठीक है, तो यानी कि कुछ पेड़ जो है वो फल देते हैं, तो पेड़ और आपका फल का कुछ इस तरीके से मैंने वेन डायग्राम बना लिया। अब सारे के सारे पेड़ और सारे के सारे फल आपके जंगल में नहीं उगते, कुछ घरों में भी उगते हैं, ठीक है, और कुछ आपके मतलब बहुत सारी जगह होती है, आपने देखो कोई स्कूल में भी लगे रहते हैं, कॉलेज में भी लगे रहते हैं पेड़, तो यहाँ पे हम सभी इनको पूरा कवर नहीं कर सकते हैं जंगल से, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा कट मारेंगे इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कि कुछ जो फल के पेड़ हैं,
जो कुछ फल के पेड़ हैं वो आपके जंगल में होते हैं और कुछ जो पेड़ होते हैं वो भी जंगल में होते हैं। तो इस तरीके से आपका कुछ वेन डायग्राम ये बनना था, तो अच्छा था। मतलब ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे बच्चे। इसमें नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पक्षी पंख और खुर, यहाँ पे ऑप्शन में घोड़ा ही दे रखा था, बाकी और दूसरे दे रखे थे, तो एक बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में घोड़ा था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पक्षी आपका पंखों से उड़ते हैं और पक्षी के ही पंख होते हैं, तो खुर आपके घोड़े के हो जाएंगे। देखिए एक और था आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन, ये शायद दूसरी शिफ्ट का है, कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का वेन डायग्राम बनाना था। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के दोनों आपके विज्ञान की शाखा है, तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ये अलग अलग क्यों लिखे मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी मिल सकता था, ठीक है, क्योंकि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बट ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है, ये विज्ञान का पार्ट है, तो ये यानी कि दोनों के दोनों विज्ञान की ब्रांच है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनना था। नेक्स्ट आपका एक था कथन, ये था कि सर्वोत्तम इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल में जाइए। तो यहाँ पे बोला गया कि सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छे इलाज के लिए आपको कहाँ जाना है, मेट्रो अस्पताल में जाना है। तो पूर्व धारणा क्या दे रखे, इस तरह के कई अस्पताल हैं, ठीक है। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा आपका कि इस तरीके के कई अस्पताल है, क्योंकि यहाँ पे बात जो बोली गई है उसका तो पूर्व धारणा नहीं निकली है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया सर्वोत्तम इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल में जाना चाहिए, यानी कि जो जो अगर आपको सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा इलाज करवाना है तो वो सिर्फ मेट्रो स्टेशन सॉरी मेट्रो अस्पताल में होगा। तो यहाँ पे ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में बोला गया है कि सभी अस्पतालों में मेट्रो अस्पताल उत्तम है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अस्पताल है उनमें मेट्रो अस्पताल उत्तम है, ये यहाँ पे बताने का थोड़ा मतलब ये समझ में आया है कि यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर सबसे अच्छा इलाज कराना है तो मेट्रो अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया कि सभी अस्पतालों में मेट्रो अस्पताल उत्तम है, इसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है, तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा आपका। एक देखिए इस तरीके की सीरीज पूछी गई थी, आपको कंप्लीट करनी थी, तो बहुत ही सिंपल से आ रहे हैं आपके ये क्वेश्चन भी, और यहाँ पे था कि मतलब 100% क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये अब ये नहीं पता कौन सी शिफ्ट का है, तो ये यहाँ पे था आपका दो, ठीक है, प्लस के, फिर यहाँ पे तीन प्लस के चिन्ह थे, साइन थे आपके, यहाँ पे चार थे, नेक्स्ट बताना था, तो नेक्स्ट आपके सीधा सीधा पांच हो जाने थे, तो पांच पांच वाले पे आपको राइट लगाना था, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था इस तरीके से कि कैट को अगर डी डी वाई लिखा जाता तो बिग को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैट में और डी डी लिखने में क्या कोड किया गया है, यहाँ पे प्लस वन, ठीक है, प्लस थ्री और प्लस फाइव किया गया है। तो यहाँ पे प्लस वन करेंगे तो डी आ जाएगा, प्लस थ्री करेंगे तो फिर डी आ जाएगा, और प्लस फाइव करेंगे तो वाई आ जाएगा। फिर बिग में भी हम वही करना है कि प्लस वन करेंगे तो सी आ जाएगा, प्लस आप यहाँ पे बी में प्लस वन किया, फिर प्लस थ्री करेंगे तो एल आ जाएगा, और प्लस जी में फाइव करेंगे तो एल आ जाएगा, तो सी एल एल आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए एक को मैथ का क्वेश्चन ये बाद में मिला था, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एट कम्प्लीट फोर अपॉन फाइव इंटू थ्री कम्प्लीट थ्री अपॉन फोर, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई और प्लस वल्स के इसमें बीच बीच में दे रखे होते हैं, तो कैसे करना होता है भाई। देखिए जब भी आपको ऐसी कोई सिक्वेंस मिलती है तो उसमें जो पूरी कम्प्लीट वैल्यू होती है, ठीक है, उनको अलग निकाल लेते हैं। जैसे आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है, एक दूसरा पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दोगुना है, इस पाइप की भरी इस टंकी के साथ जोड़ दे तो पाइप मिलकर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका पूछा गया है, तो ठीक है, बड़े सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, देखिए ए आपका देखिए 40 मिनट में आपका अगर खाली कर सकते हैं और बी पाइप का व्यास दुगना है तो वो उससे आधा समय लेगा, तो यहाँ पे दोनों पाइप मिलकर कितनी देर में खाली करेंगे, दोनों का आपका एलसीएम ले लेंगे तो 40 यूनिट आ जाएगा, 40 को 40 से भाग करेंगे एक यूनिट आ जाएगा, एक मिनट का मिनट है या फिर घंटे, हाँ एक मिनट है। तो यहाँ पे बी पाइप जो है वो दो यूनिट खाली करेगा, दोनों मिलकर तीन यूनिट खाली करेंगे तो 40 यूनिट को कितनी देर में कर देंगे, 13 से 1/3। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं मेनली। अब रीजनिंग के यहाँ पे जो टॉपिक की बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन पूरे दिन का मैं बता रहा हूँ, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इस लोग से भी आपके दो से तीन क्वेश्चन तक भी देखने को मिल रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, क्लॉक से एक से दो क्वेश्चन है, कैलेंडर से भी एक से दो क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके क्वेश्चन हैं, सीरीज, वोटर इमेज और मिरर इमेज। देखिए आपकी जो मिरर इमेज और वोटर इमेज से क्वेश्चन थे ना उसमें आपका कोई इमेज पूछी गई थी,
ठीक है, तो वो इमेज बच्चे ने भेजी नहीं है, उसको मैंने बोला भी था बट नहीं भेजी, तो अब मैं मतलब जो उसने बताया था मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो मिरर इमेज का था, मिरर इमेज में तो आपको कुछ ऐसा दे रखा था कि ट्रायंगल्स थे, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल्स आपको बना के दे रखे थे, फिर उसमें कुछ और भी था और इस तरीके से एक बॉक्स था, उसका आपका बताना था तो ईजिली बना लेते आप, ठीक है। एक वोटर इमेज में था आपका, हाँ वोटर इमेज में यार मैं भूल गया उसको बनाना, इस तरीके से 1 2 3 4 लिखा था और इसका आपको बताना था कि इसकी वोटर इमेज क्या होगी, तो सिंपली आपका वही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 बनाएंगे, सॉरी इस तरीके से, तो ये आप बनाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और आपका कोडिंग से डिकोडिंग से था, सीरीज से था, ये हो गया। एनालॉगी से भी क्वेश्चन थे। अगर मैथ की बात की जाए तो आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, एज से भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, और इस पर टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, ट्रेन से था आपका क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम से भी थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SICI। देखिए ये टॉपिक जो है अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के जाते हैं, और एक हाँ टिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से भी आ रहे हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो आप देख के जाइए। और दोस्तों आप इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप अगर ऑलरेडी टेलीग्राम ज्वाइन मतलब यूज करते हैं तो वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।